सर आज की ये जो पत्रकार वार्ता है उसके बारे में जनता को बताइए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे वर्ल्ड बाइसिकल डे है जो हम 3 जून को पूरे विश्व में और हमारे पूरे भारत में और हमारे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक्स में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर का कंसर्न है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखता हूँ, तो हमने यहाँ में 3 मेजर इवेंट्स रखे हैं। पहला इवेंट्स जो है वो यहाँ पे जम्मू में है, जम्मू के एक बबलाना गांव है जहाँ से हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का एक गांव है। वहाँ पे से हम, क्योंकि वो आइकनिक पर्सनलिटी रही हैं आपकी, तो वो आइकनिक जगह हमने चुनी हुई है, भारत सरकार ने चुनी है। वहाँ से ये 7.5 किलोमीटर के जो रेस है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे हम 75 यूथ की एक रैली निकाल रहे हैं, जिसका ये इनको एक जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, जिसको आज़ादी का मास तो भी बोलते हैं, उसमें ये मैसेज देना युवाओं को कि कैसे वो एक तो पोल्यूशन फ्री, जैसे अभी तो 2 तरह की पोल्यूशंस हो रही हैं, एक तो जो फैक्ट्री और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो एक पोल्यूशन, गाड़ियों की पोल्यूशन जो है उनसे जो हमारे इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, कितना उसमें डैमेज आ रहा है, क्या तो उसको हम एक अवेयरनेस के तौर पे हम ले रहे हैं। और उसमें हमारे स्लोगन्स जो अलग अलग से स्लोगन्स हैं, प्ले कार्ड्स हमने तैयार किए हुए हैं, ताकि वो हम 7.5 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ तक लोगों को वो मैसेज पहुँचा सकें कि हम कैसे फिजिकली फिट रहें। युवा फिट रहोगा तो देश फिट रहे। तो ये मकसद है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जो इसको हमने उनके माध्यम से सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये पूरे जितने भी हमारे प्रदेश हैं और जितने भी हमारे आइकॉनिक प्लेस हैं और जितने भी हमारे हेडक्वार्टर है पूरे देश में, ये वहाँ पे हम बनाया जा रहा है। एट द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमने 75 विलेजेस, 75 हमने युवा जो साइकिलिस्ट हैं और साइकिल के साथ हमने नेशनल फ्लैग्स बैनर के साथ हमारे प्ले कार्ड जो हम मैसेज देंगे कि हमारा जो ये मकसद है कि इस जो साइकिल रैली को ऑर्गेनाइज करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।